हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। आप सभी की हमारे पास में बहुत सारी क्वेरीज पहुंच रही थी और उन सभी क्वेरीज को इकट्ठा करने के बाद में आज मैंने स्पेशली एक ये वीडियो बनाई है जो आप लोगों को ज़रूर एंड तक देखनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम इन वेरियस टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेरीज स्टूडेंट्स की इस बात को लेकर आ रही थी कि सर, मार्च के मंथ में हमने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन दिए हैं और अब तक जून खत्म हो चुका है, लगभग एक या दो दिन ही बच रहे हैं। अब तक आप लोगों का जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट ही नहीं आए। सो सबसे पहली क्वेरीज ये है। दूसरी, स्टूडेंट्स का एक चिंताजनक सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी, SOL ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनके स्टूडेंट डैशबोर्ड में कुछ दिनों पहले सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शंस भी दे दिए थे कि भाई आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। बट यहाँ पर स्टिल अभी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है और ना ही SOL की ओर से अब तक कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसमें ये बात कही गई हो कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की या फिर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की किसी सब्जेक्ट में ER यानी बैक या फिर कोई स्टूडेंट्स अगर गलती से फेल हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या वो स्टूडेंट्स अगले ईयर में जाएगा, ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के मन में भी चल रहे हैं और रोज के रोज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अपनी जो क्वेरीज है वो हम तक इसी तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी आप लोगों के लिए सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शन दिए थे 26 तारीख तक, अब उसको भी क्लोज कर दिया है। दूसरी बात, आपके शेड्यूल जो है असाइनमेंट्स के वो 7 जुलाई से आने वाले हैं, 7 जुलाई के लगभग में वो आ जाएगा एज पर द दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात चल रही है। पर स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट लगातार चल रहा है कि अगर मेरी किसी सब्जेक्ट में ER आ जाती है, बैक आ जाती है, हो सकता है किसी स्टूडेंट्स ने गलती से मतलब उसको मार्क्स नहीं मिल पाए या फिर वो अपलोड नहीं कर पाया, बहुत सारी बातें हो सकती है, मतलब किसी भी कारणवश किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कर रहे हैं। सो गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे पहले ओपन बुक एग्जामिनेशन हुए थे या आपके पहले भी असाइनमेंट बेस्ड रेवोल्यूशन हुए, जो बच्चे अभी फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में भी अपने असाइनमेंट दिए थे और आपके साथ में लास्ट ईयर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके भी असाइनमेंट हुए थे, तो उनको ये बात डायरेक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर वे में कह दी थी कि अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में ER थी, बैक थी या फिर आप फेल हो गए थे फर्स्ट ईयर के अंदर किसी सब्जेक्ट में, तो आप लोगों को ये पेपर थर्ड ईयर में देना पड़ेगा। तो थर्ड ईयर का अब जो उनका ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था अब उन्होंने दिया था। सो गाइज, आप लोगों के लिए ऐसी कोई भी बात अब तक नहीं की गई है, तो उम्मीद आप ये जगा सकते हो, ये लगा सकते हो कि भाई आप लोगों के जो एग्ज़ाम है उनके जो रिजल्ट आने, मार्च वाले जो एग्ज़ाम के जो रिजल्ट आने फर्स्ट सेमेस्टर के भी और थर्ड सेमेस्टर के भी, तो आपके जो रिजल्ट हैं वो आपके असाइनमेंट से पहले आ जाएंगे, नहीं तो उन्हें एक अलग से नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। उस नोटिफिकेशन में डायरेक्टली उन्हें ये बात करनी पड़ेगी कि जिन स्टूडेंट्स के अगर बैक आ जाती है तो वो अभी जैसे सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, जो स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर में तो उनको असाइनमेंट देने होंगे, बट फिर वो थर्ड सेमेस्टर में अपने फर्स्ट सेमेस्टर की बैक का पेपर देंगे, या फिर जो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो अब वो अपने असाइनमेंट्स देंगे, तो वो अब क्या करेंगे, वो आगे जो फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे वो थर्ड सेमेस्टर की अगर कोई बैक है, कोई सब्जेक्ट का एग्जाम अपीयर नहीं कर पाए थे, तो उनकी वो प्रॉब्लम इस तरीके से शॉर्ट आउट होने वाली है। इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी हमसे क्वेरीज लगातार कर रहे हैं कि सर, जो रिजल्ट है वो इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्थ मंथ स्टार्ट होने वाला है और CBCS सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतना रिजल्ट जो है आप लोगों का डिले हो, इतना देर से आए। सो गाइज, आप लोगों के जो रिजल्ट्स की आने की उम्मीद है, मैं आप लोगों को क्लियर एंड कट वे में बता दूं कि 4 तारीख या फिर 10 तारीख के बीच में भी, जुलाई के मंथ में इनके बीच में 4 से 10 तारीख के बीच में आपके रिजल्ट्स आने की उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बीच में आपका आ सकता है और इसके साथ ही आपके असाइनमेंट के शेड्यूल भी आ जाएंगे।
अगर आप लोगों के असाइनमेंट जैसे रिजल्ट पहले आ जाते हैं, तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक आती है, अब तक नोटिफिकेशन कोई नहीं निकाला गया, तो उसके वे में मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को फिर उस सब्जेक्ट का अगर किसी में ईआर आ जाएगी, तो इसी के साथ में आप लोगों को उनके भी असाइनमेंट्स देने होंगे। बट अगर अभी रिजल्ट नहीं आ पाता आपके असाइनमेंट, सपोज दैट 1% चांस है, भी पेंडेमिक का दौर है, कुछ भी हो सकता है कि भाई आपके रिजल्ट नहीं आए, असाइनमेंट आपसे ले लिए गए, फिर आपके जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तो आप अगले सेमेस्टर में बैक्स के अपने पेपर या जो पेपर आपके रह गए हैं जिन्हें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, तो उनके एग्जाम आपको तब देने होंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स बहुत सारी एक क्वेरीज ये भी थी, मैं आपको बता दूं कि सर जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आने के बाद में क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं मैंने पेपर बहुत अच्छा दिया था, मेरी ईआर नहीं आ सकती, मैंने पेपर बहुत अच्छे गए थे, मैं फेल नहीं हो सकता। तो आप लोगों के लिए एक प्रोसीजर होगा जिसे बोलते हैं री एवोल्यूशन का, जो भी पेपर आपका चेक हुआ है उसको आप री एवोल्यूट करवा सकते हो, बट उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 1,000 रुपये की फीस पे करनी होगी। अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, इतने अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो 4,000 रुपये फीस, इतनी सब्जेक्ट इतनी फीस तो हमें एडमिशन लेने टाइम देनी होती है। अब हमें एक सेमेस्टर के सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर के पेपर देने चेक करवाने के लिए हमें इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। सो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, आप पेपर अपना रीएवल्यूट मत कराना, क्यों? क्योंकि ये पैसे आपके ज़्यादा भी लगेंगे, और दूसरी बात आप लोगों का जो रिजल्ट है उसका कोई अता पता नहीं होता। कोई अता पता ना होने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत बार एसयूएल के स्टूडेंट्स जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग भी लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी ओपन बुक एग्जामिनेशन में ईआर आई थी, उन्होंने अपने री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया क्योंकि फाइनल ईयर है। फॉर एग्जांपल अभी तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर मान के चलो अभी आपकी क्लियर नहीं भी हो पाती तो आप अगले सेमेस्टर में क्लियर कर दोगे, लेकिन जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनका तो लास्ट ईयर था, फाइनल ईयर था। अगर उनकी किसी एक सब्जेक्ट में भी ईआर आ गई, इसका मतलब क्या है? उसका पूरा 1 साल बाद। सो गाइज वो ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने री एवोल्यूशन करवाते हैं, और करवाना भी चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। अगर एग्ज़ाम का जैसे ही आपका रिजल्ट आता है ओपन बुक एग्जामिनेशन का, अगर किसी स्टूडेंट्स की ईआर आती है, तो आप इससे क्या करना, थोड़ा सा निश्चिंत हो जाना। दूसरी बात, आपके इन सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है आई होप आपको मिल रहे होंगे। इसके साथ साथ अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं, आप कोई भी क्वेश्चन हमसे करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपको उस जगह पर नहीं दे पाता, तो आपके लिए एक स्पेशली वीडियो मिल जाएगी, वैसे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा ही वो क्वेरी आपको सता रही होगी, जैसे ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे इस प्रॉब्लम से, तो मैंने उन लोगों के लिए एक अलग से वीडियोज़ बना दी, तो आप लोगों की भी ये प्रॉब्लम थी, तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का अच्छा सोल्यूशन मिल चुका होगा। आई होप गाइज आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और समय से अपडेट वाली वीडियो आप चाहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अधिक से अधिक मित्रों तक, अधिक से अधिक कॉलेज व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स तक आप इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। चलिए गाइज मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।